पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बोला कि धर्म को कभी राजनीति से कांग्रेस पार्टी ने नहीं जोड़ा, धर्म आस्था का विषय है। धर्मों पर विवाद भाजपा ने छेड़ा। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में अपराधी विकास दुबे को सरेंडर करने के लिए चुना गया। कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूर्व सीएम उमा भारती ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। बड़ा सिंपल सा मामला है, चाहे तुलसी सिलावट जी हों, चाहे वो और 21 विधायक और मंत्री कांग्रेस छोड़ के गए हों, चाहे सिंधिया जी हों, ये 25-20 साल से ये कि यही भाषा इस्तेमाल करते रहे इनके खिलाफ। और अंदर तो वही है जहन में, ये बाकी सब आडंबर हो रहा है कि हम बीजेपी में आ गए, ये सब ऊपरी आडंबर है। इसलिए ये बात तो निकलेगी, ये नेचुरल है कि जो आप 25 साल से जो रट रहे हो वो सब चीज़ें, 25 साल से आप रट रहे हो मरा मरा, तो राम थोड़ी निकलेगा, वो तो उनके लिए यही निकलेंगे शब्द जो निकल रहे हैं, और ये इनहेरेंट है। और जब भी वो जो होता है ना कि नींद में से उठा के मगर इनको पूछा जाएगा, तो ये इसी तरह की भाषा बोलेंगे। सर, तो क्या सच वो अस्पताल में विजिट करेंगे? 3 महीने के अंदर कोरोना, जिस दिन से शिवराज जी ने शपथ ली तब से कोरोना का विकास मध्य प्रदेश में हुआ है, और बिजली के बड़े बड़े बिल आए, किसानों के कर्ज माफी इन्होंने रोक दी, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए, एक आम आदमी बेरोजगार हो गया, और लोगों की जेब में पैसे नहीं है। ने कहा कि हम 10,000 रुपये देंगे, वो भी आज तक किसी के अकाउंट में नहीं आया। और कुल मिला के मध्य प्रदेश में इन्होंने विकास का एनकाउंटर कर दिया, पूरा जो यहाँ विकास होना था मध्य प्रदेश में उसका एनकाउंटर कर दिया भारतीय जनता पार्टी में इन 3-3.5 महीनों में। और अब कोरोना के मामले में ये मुरैना नहीं जा रहे हैं, ये चुनावों के संबंध में लोगों से मिलने जा रहे हैं। और कोरोना में 3 महीने मुख्यमंत्री निकले ही नहीं कभी, इन्हें भोपाल जहाँ राजधानी में रहते थे कभी नहीं गए किसी क्षेत्र में, कहीं कहीं उनके दर्शन नहीं हुए इंदौर में, 3 महीने बाद गए। तो कुल मिला के जो बात कही जा रही है कि 15 जुलाई तक कोरोना ख़त्म हो जाएगा, मैं समझूँ बहुत हास्यास्पद है। मुरैना, ग्वालियर, भोपाल में इब्राहिमगंज उसको पूरा क्वारंटाइन किया जा रहा है, लॉकडाउन किया जा रहा है भोपाल में इतवार को, बहुत सी जगह और जगह किया जा रहा है। तो ये लगातार बढ़ रहा है, और कल 350 के करीब केसेस आए हैं मध्य प्रदेश, और ये टेस्टिंग में फेल हो गए, उसके इलाज में फेल हो गए। और हमने देखा कि बड़े बड़े अस्पताल जिनको पूरी तरह से सरकार ने संरक्षण दे रहा है वहाँ पे भी लोगों की जान जा रही है। अगर 650 लोगों की जान गई है तो ये मान के चलिए कि कोरोना को ये सरकार नियंत्रण नहीं कर पाई, इसलिए आज पूरा का पूरा मध्य प्रदेश परेशान है। और इंदौर और भोपाल तो हॉटस्पॉट रही, उज्जैन तो हॉटस्पॉट रही, अब मुरैना और ग्वालियर भी हॉटस्पॉट हो गए, और उसमें भी एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क। धर्म को कभी कांग्रेस पार्टी ने राजनीति में लेकर नहीं आए हैं, और कोई सा भी धर्म हो वो आस्था की बात रही है। और सभी कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसमें संविधान में इसीलिए सर्वधर्म संभाव की बात आई, और सभी धर्मों को अपनी अपनी धर्म को अपनाने का और उसमें अपनी श्रद्धा रखने का हक दिया गया था। लेकिन धर्म, हिंदू धर्म और बाकी धर्म, इन पर अगर कोई विवाद छेड़ा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ा है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब बदनावर गए तो उसके पहले महाकाल में दर्शन करने गए, लेकिन उसी महाकाल के मंदिर में जो विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ उन्होंने करोड़ों रुपए अपनी सरकार के समय स्वीकृत किए थे धर्म समर्थिता में, 350 करोड़ रुपए, उसमें किस तरह से एक ऐसा अपराधी जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की थी उसको लाके वहाँ सरेंडर कराया जाता है। और इस पे विवाद केवल कांग्रेस पार्टी नहीं छेड़ा, उनकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इसमें सवाल उठाए हैं कि महाकाल, उज्जैन कैसे
जो विकास दुबे जो अपराधी था वो आ गया, पूरा मध्य प्रदेश लांग के कैसे आ गया और कभी कहीं किसी ने चेक कैसे नहीं किया उसको। और वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड वो उसको बताता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जो भी घटना वहाँ पर हुई, वहाँ के थानेदार को रात को हटा दिया गया और ये सब चीज़ें। और वहाँ के एक एडिशनल एसपी का वीडियो वायरल हुआ है कि ये कानपुर पहुँच ही नहीं पाएगा, और बहुत से नेताओं ने बहुत से पत्रकारों ने कहा था कि इसके इसकी एनकाउंटर हो जाएगी, और वो हुई जैसा वो था। सवाल उस बात का नहीं है, अपराधी था उसको मारा ही जाना था, लेकिन उसको जो लोग यहाँ उज्जैन तक लेके आए और उसको जो संरक्षण मिल रहा था उसके पहले, इसके पहले भी उसने एक राज्य मंत्री की थाने के अंदर हत्या की थी और छूट गया था। तो ये सब बातें उजागर होने की बात थी। ये एनकाउंटर करना ही था, जैसा किया है तो 8-10 दिन में सब पूरी पूछताछ करके फिर भी एनकाउंटर कर सकते थे, जेल से भागा के एनकाउंटर हो सकता था। पर वो चीज़ें जो सफ़ेदपोश लोगों का उससे संपर्क जो था वो जो उजागर नहीं हुआ, मैं समझता हूँ कि बात केवल उसकी है, उसके साथ वो सब उनके जो संपर्क थे वो सब दफन हो गए। और इसलिए ये बात उठी है, कांग्रेस ने कहा कि ऐसी जगह महाकाल जैसे पवित्र मंदिर में उसको लेके उसको सरेंडर कराया गया, इसलिए उसका शुद्धिकरण होना चाहिए पवित्र। और दूसरा, श्रावण का महीना चल रहा है, जो भगवान शिव और श्रावण सब पर्याय हैं, तो इसलिए उसकी साफ सफाई होना जरूरी है, शुद्धिकरण होना जरूरी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये अभियान चलाया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।